हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने के बाद आईएएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आज बोर्ड के प्रोजेक्ट्स का मैराथन दौरा किया। 4 घंटे से ज्यादा के दौरे में इंद्रजीत सिंह ने अधिकतर प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और इंजीनियर्स को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में एक बार फिर बहार आने वाली है। अर्श पर पहुंचने के बाद पिछले 4 से 5 महीने से हाउसिंग बोर्ड में सुस्ती का माहौल दिखाई दे रहा था। हाउसिंग बोर्ड के जो प्रोजेक्ट्स लोकप्रिय हो चुके हैं जैसे सिटी पार्क, चौपाटी, उनमें देखरेख के अभाव और मॉनिटरिंग नहीं होने से आगंतुकों की संख्या कम हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड के लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स की सुध लेने की कवायद शुरू होने वाली है। नए कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने जिम्मेदारी संभालते ही जरूरी सुधारों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने बोर्ड के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का काम समय पर पूरा करने पर भी फोकस किया है। इंद्रजीत सिंह ने 4 घंटे तक मैराथन दौरा कर बोर्ड के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले मानसरोवर में बन रहे फाउंटेन स्क्वायर का निरीक्षण किया। इंजीनियर से प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ली। इंजीनियर से प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूछी तो इंजीनियर्स ठीक से जवाब नहीं दे सके, जिस पर इंद्रजीत सिंह ने नाराजगी जताते हुए प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए जल्द सीएम से समय मिल सकता है, इसलिए इसका काम जल्द पूरा होना चाहिए। कुछ समय से आप सब जानते हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बहुत तेज गति के साथ काम हो रहा है। जयपुर शहर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जैसा कि आप इस जगह पे देख रहे हैं, मानसरोवर के अंदर चाहे मानसरोवर सिटी पार्क हो या अभी आने वाला फाउंटेन पार्क हो, इन पे बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, माननीय UDH मंत्री के कर कमलों से यहाँ पर बहुत जल्द ये सौगात भी जो है जयपुर वासियों को, मानसरोवर के क्षेत्रवासियों को दी जा सके। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने फाउंटेन स्क्वायर के बाद सिटी पार्क में बन रहे बॉटनिकल गार्डन का निरीक्षण किया और जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड दफ्तर में CM कैंप कार्यालय का भी निरीक्षण किया और कई तरह की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने मानसरोवर चौपाटी, कोचिंग हब, AIS रेजिडेंसी और गंगा मार्ग का भी निरीक्षण किया और कई तरह के महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। मीडिया से बातचीत में इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड काफी पुरानी संस्था है जिसने हर वर्ग के लोगों को आवास देने का काम बखूबी पूरा किया है। पिछले दिनों में हाउसिंग बोर्ड ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी अपने हाथ में लिए हैं, उन्हें बखूबी पूरा किया है। उनकी कोशिश रहेगी कि हाउसिंग बोर्ड के कामों को गुणवत्ता और तेजी के साथ पूरा किया जाए। देखिए, जो फाउंटेन पार्क का और बॉटनिकल गार्डन की जहाँ तक बात है, इनका मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग 10-15 दिन की टाइमलाइन अपनी टीम को दे रहे हैं। चूँकि ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज के अंदर कार्य है तो इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके जो टेक्निकल टीम है, उनको कार्यालय में बुला के और दिशा निर्देश जो है वो सशक्त तरीके से दे दिए जाएंगे ताकि बिफोर इनॉग्रेशन ये प्रोजेक्ट जो है अपना 100% जो आउटकम्स आने चाहिए वो आ चुके होने चाहिए। हाउसिंग बोर्ड ने पिछले सालों में जो विश्वसनीयता लोगों के बीच बनाई है वो दूसरी संस्थाओं के लिए मिसाल है। नए कमिश्नर ने भी इसी विश्वसनीयता को और आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हाउसिंग बोर्ड इंफ्रा के साथ ही लोगों को आवास देने में नए आयाम स्थापित करेगा। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।